हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चावल के आटे से बनने वाला बहुत टेस्टी स्नैक्स। ये कम टाइम पर और बहुत ही कम सामान के साथ बन जाता है और आप इसे किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं, बच्चों की पार्टी में, किटी पार्टी में और शाम की चाय के साथ ये स्नैक्स बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें जीरा और जीरे को थोड़ा सा पकने देंगे। जीरा जैसे ही पक जाए तो अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 कप पानी। ये 250 ml का कप है तो 1 कप पानी लिया है मैंने यहाँ पे। अगर आपके पास कप ना हो तो आप यहाँ पे कोई भी बोल ले सकते हैं। 1 कप पानी लेंगे या 1 बोल पानी और 1 बोल आटा। तो यहाँ पे पानी में उबाल आने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे 1 कप चावल का आटा। तो उस सेम कप लिया है मैंने, सेम कप से मैं यहाँ पे आटा डाल रही हूँ और बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे गैस को धीमा रखें ताकि इसमें बड़े मतलब हाई फ्लेम में अगर पकाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़े लम्स हो जाता है क्योंकि जल्दी से मिक्स नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे गैस को थोड़ा धीमा रखें और गैस को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। बस इसे हम ठंडा कर लेंगे क्योंकि काफ़ी गर्म है और आप गर्म गर्म में इसे अपने हाथ से टच नहीं कर पाएंगे। और चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 आलू लिए हैं, यानी कि 2 फुल और 1 हाफ। तो मैंने इसे आलूओं को ग्रेट कर लिया है क्योंकि आलू ग्रेट करके लेंगे तो उसमें कोई भी बड़ा लम्स नहीं रहेगा। कोशिश करिए कि आप ग्रेट करके ही आलू लें और फिर हमने जो चावल का आटा रेडी किया है वो हम इस पर मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे हम यहाँ पर स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और चिली फ्लेक्स। आप यहाँ पे धनिया पत्ती का यूज़ भी कर सकती हैं। मैं जस्ट आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ ताकि कभी सामान नहीं होता है और हमें कभी कभी बहुत अच्छे से कुछ खाने का मन करता है शाम की चाय के साथ। तो ये बहुत ही कम सामान के साथ बनने वाला स्नैक्स है। और 2 टेबल स्पून डाला है मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें तब भी चलेगा, अगर है तो आप इसे ज़रूर डालें। इससे थोड़ी क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आती है, ये बहुत क्रिस्प बना देता है स्नैक्स को। और थोड़ा सा तेल लगा के हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। ये देखिए रोटी के आटे जैसे बन के रेडी हो गया है, स्मूथ टेक्सचर बन के डो रेडी हो गया है। और अब हमने यहाँ पर लिया है एक चॉपिंग बोर्ड, उसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हाथों में भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आटे का आधा पार्ट ले लिया है, इसे 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे पार्ट ले सकती हैं और बस हमें इसे अच्छे से मसल लेना है, अच्छे से स्मूथ कर लेना है डो को। तो इस तरह से ये देखिए रोल कर लेंगे हम, पर बनाने से पहले इसे 2 से 3 बार अच्छे से मसल लें, अच्छे से रोल कर करके उसे स्मूथ डो बना लें। और ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसे रोल कर लिया है, इस तरह से रोल कर लेंगे। इसे बनाना बहुत इजी है गाइस, आप खुद देख रहे हैं इसे, इसमें ऐसा कुछ भी मैंने नहीं डाला जो आपके घर पे ना हो। अगर आप चावल का आटा आपको बाहर से ना मिले तो आप घर पे भी मिक्सर जार में पीस सकते हैं और उसे छन्नी से छान के यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से इसकी बाइट हम कट कर लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे से बाइट बन के रेडी हो गए हैं और कितने ईजिली कट रहे हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा बाइट बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम सारे बाइट्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैं आपको और बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में इजी लगे और कोई टफ ना लगे या मतलब बना ना पाए आप। तो ये देखिए बनाने से पहले मैं इस आटे को अच्छे से पहले स्मूथ कर रही हूँ, अच्छे से उसे मसल रही हूँ ताकि इसमें कोई भी मतलब कट ना कहीं पर हो और ये रफली ना दिखे। तो इस तरह से हमें स्मूथ कर लेना है। और ये देखिए जीरे भी इसमें हमने ऐड किए हैं तो वो अच्छे लग रहे हैं, बीच बीच में इसमें दिख रहे हैं। तो और इस तरह से हमने बाइट को कट कर लिया है, बहुत प्यारी बाइट्स बनके रेडी हो गई हैं गाइस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने प्यारे से लग रहे हैं ये सारे बाइट्स। और ये देखिए हमने सारे बाइट यहाँ पे बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने लिया है यहाँ पे ऑयल, ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, हाई फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे और इसको अच्छे से हम इस पर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा तेल आपके ऊपर नहीं गिरना चाहिए, इस तरह से आप इस पर डालें। और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आपको यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है, धीमी बिल्कुल भी ना रखें, अदरवाइज ये क्रिस्प नहीं होंगे और वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपको इसे बीच बीच में मीडियम करना है और बीच बीच में इसे हाई करते रहना है और इसे चलाते रहना है। आप इसे छोड़ के ना जाएं, अदरवाइज ये जल जाएंगे क्योंकि हमें इसे धीमी आँच में नहीं पकाना है। तो आप अपने हिसाब से इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लें। ये देखिए कितने प्यारे से बाइट्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं, मतलब फ्राई हो गए हैं। और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। कितने अच्छे से लग रहे हैं ना गाइस, बहुत प्यारे बाइट्स बनके रेडी हुए हैं। बहुत टेस्टी स्नैक्स है ये, आपके बच्चे के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि बच्चों को इस तरह के स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें।
और ये देखिए रेडी है आपका बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ऑसम टेस्ट वाला राइस का स्नैक्स। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे हो गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्नैक्स कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।